हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सत्येंद्र कुमार आपके अपने चैनल ऑन लाइव सर्वर पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं कि मैं आपका फ्रेंड्स सत्येंद्र कुमार आपके लिए क्या टॉपिक लेके आया हुआ हूं? तो फ्रेंड्स, समय बर्बाद नहीं करते हम लोग, चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आपके द्वारा किया गया कमेंट था कि सर मुझे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ओएस की जानकारी नहीं है, तो फिलहाल तो मैं अभी बेसिक नॉलेज के तौर पर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। मैं इसमें आपको बताऊंगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज हार्डवेयर एंड इट्स टाइप ऑल्सो। तो सबसे पहले, फर्स्टली, इफ यू नो अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, देन श्योरली यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट द ओएस। अगर आपको पता होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, तो आपको ओएस या उसके वर्जन या सिस्टम के सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसके वर्जन, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम, है ना, विच वी कैन सी और फील ओनली, व्हाट कैन नॉट टच इट। देखिए क्या होता है सॉफ्टवेयर जो होता है, वो एक प्रोग्राम होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, केवल हम फील कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, बट उसको टच नहीं कर सकते हैं। आपने देखा हो सॉफ्टवेयर के कई सारे वर्जन होते हैं, है ना, जैसे कि आपका विंडो एक्सपी, विंडो 7, है ना, विंडो विस्टा, इस तरह से कई सारे वर्जन होते हैं जो उसमें सिस्टम में डाले जाते हैं। क्या उसको आप छू लोगे, क्या उसको आप घुस के निकाल लोगे, क्या नहीं निकाल पाओगे ना। तो वही मैं आपको बताने आया हूं आज। तो इसके बाद में मैं आपको इसके जनरेशन, इसकी कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको हार्डवेयर और बताता हूं हार्डवेयर क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, तो व्हाट इज हार्डवेयर? तो हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट्स विच वी कैन टच, है ना, ओनली व्हाट कैन नॉट फील। देखिए क्या होता है, जो हार्डवेयर होता है उसको हम टच कर सकते हैं, बट उसे फील नहीं कर सकते हैं। देखिए, क्या आप कीबोर्ड को या माउस को या प्रिंटर को टच करने के बाद में उसको फील कर सकते हो? नहीं ना। तो वही मैं आपको आप एग्जैक्ट बताऊंगा कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह से इसका डिवाइडेशन किया गया है। तो सबसे पहले मैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बताऊंगा। तो सॉफ्टवेयर के टू टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे हम लोग मोबाइल वगैरह खरीदते हैं या कंप्यूटर वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें कुछ एप्लीकेशन डालते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस, टेली ईआरपी, एडोब फोटोशॉप एंड कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनका हमें बेसिक नीड्स के तौर पर जरूरत होती है या जिसको हम यूज करते हैं, उनको हम डाल लेते हैं अपने सिस्टम में, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, आज मैं केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर के केवल आपको वर्जन बताऊंगा, इसके टाइप्स नहीं बताऊंगा। वर्जन कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें विंडोज 95, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, इसके अलावा विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 11, जो कि अभी अभी इसी वर्ष जो है 24 जून 2021 को लॉन्च हुई है, ठीक है, जो हमें 2022 या 23 में चलाने के लिए मिलेगी। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीज़ें हमें प्रोसेस अच्छे से पता होगा, तभी हम उसका यूज कर पाएंगे। इसके अलावा जो है इसमें विंडोज लाइनक्स आता है, मैक विंडो आता है। एंड नेक्स्ट वन आपका है हार्डवेयर, क्या होता है, व्हाट इज हार्डवेयर? तो हार्डवेयर को मैंने तीन कैटेगरी में रखा है। सबसे पहला जो है वो है आपका पेरिफेरल। तो पेरिफेरल क्या होता है, व्हाट इज पेरिफेरल? पेरिफेरल इज अ डिवाइस इंक्लूडेड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन दैट। और इसमें क्या है, जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनको मेंशन किया गया पेरिफेरल डिवाइसेस में, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, स्कैनर है, प्रिंटर है एंड मॉनिटर है, और भी कई सारे हैं, जैसे लाइट पेन, जॉयस्टिक, ओएमआर, ओसीआर, कई सारे हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है आपका, इसमें जो भी है इंटरनल पार्ट्स
अब सीपीयू, सीपीयू में जैसा कि आप जानते हैं इंटरनल पार्ट हमारा क्या है, मदरबोर्ड है, उसमें अंदर क्या होता है, एसएमपीएस होता है, सीपीयू होता है, एंड ऑल्सो बीजीए केबल, जो बीजीए कार्ड होता है वो होता है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो हमने कैटेगरी रखी हुई मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी यूनिट में जैसे आपका रैम है, रोम है, एसएसडी है, एचडीडी है, एसएसडी आपका स्टेट, दूसरा वन है आपका एचडीडी, तो एचडीडी आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, और ऑप्टिकल आपका इसमें डिवाइसेस आते हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस में जो हमारे रिकॉर्ड, जैसे हम अपना जो कार्ड वगैरह होता है ना गोल गोल सर्कल राउंड में होते हैं, उन्हें ऑप्टिकल डिवाइसेस बोलते हैं, जैसे बीडी, डीबीडी, सीडी ड्राइव। तो इनके अलग अलग कैटेगरी होती है, इनका अलग अलग स्पेस होता है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। नेक्स्ट बनिए, अगर आपको किसी भी तरह से कोई हमारे यहाँ से सर्विस चाहिए तो ऑनलाइन सर्वर आपको बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पर, बहुत ही बेसिक उचित प्राइस पर आपको जो है डोमेन होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर, बीपीएस सर्वर, शेयर्ड होस्टिंग, इसके अलावा कई प्रकार के जो है डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड कराता है, और 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट देगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है और बहुत ही ज्यादा पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका लाइक और कमेंट हमें अच्छा लगेगा, और आप किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो इससे रिलेटेड और वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए, आपको इस तरह की सूचना मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।